दोस्तों कानून की पढ़ाई यानी LLB कोर्स काफी इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग है। पहले के टाइम में कोई LLB करता तो लोग ये मानकर चलते थे कि वो व्यक्ति वकील ही बनेगा, और होता भी यही था कि ज्यादातर लोग कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस करना शुरू करते थे। लेकिन परिस्थितियों में बदलाव के साथ साथ लॉ एक्सपर्ट्स की जरूरत हर फील्ड में होने लग गई। आजकल कॉरपोरेट सेक्टर में बड़े पदों पर नियुक्ति के लिए लॉ ग्रेजुएट्स को प्रायोरिटी मिलती है। बैंकों में और सरकारी विभागों में भी लॉ ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं। काफी सारे पॉलिटिशियंस भी लॉ ग्रेजुएट आने लगे हैं। कहने का मतलब ये है कि अब ये धारणा बदल चुकी है कि लॉ ग्रेजुएशन के बाद हर व्यक्ति वकील के रूप में ही अपना कैरियर स्टार्ट करेगा, बल्कि लॉ ग्रेजुएट्स के लिए भी काफी सारे ऑप्शन खुले हैं जिनमें से कोई व्यक्ति अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार चूज कर सकता है। लॉ ग्रेजुएशन करने के बाद कोई व्यक्ति किन किन क्षेत्रों में अपना करियर बना सकता है, उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हैं? आज के शॉर्ट वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो खास उन लोगों के लिए भी है जो LLB करना चाहते हैं लेकिन इस बारे में कंफ्यूज हैं कि इस कोर्स के बाद उनके पास अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी। तो दोस्तों लॉ ग्रेजुएशन के बाद सबसे इजी, सबसे ओपन करियर ऑप्शन तो एडवोकेट के रूप में काम करना ही होता है। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि लॉ ग्रेजुएशन के बाद भले ही आप किसी भी फील्ड में करियर बनाएं, कोई भी नौकरी करें, लेकिन लॉ करने के बाद आपको एक बार कम से कम 1-2 साल के लिए एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि इससे फील्ड का काफी सारा नॉलेज आपको मिल जाता है। कोई व्यक्ति लॉ ग्रेजुएशन के बाद किसी लॉ फर्म में ज्वाइन कर सकता है या फिर किसी सीनियर एडवोकेट के पास भी जूनियर के रूप में काम कर सकता है। इसके लिए उसे स्टार्टिंग में 10,000 से 25,000 रुपए के बीच में मिल जाते हैं, और जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस और कैपेबिलिटीज बढ़ती हैं उसकी कमाई भी बढ़ती जाएगी। कुछ सालों तक जूनियर वकील के रूप में काम करने के बाद उसे या तो उसी फर्म में अच्छा पद मिल जाता है या फिर वो अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी शुरू कर सकता है। एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस के अलावा दूसरा विकल्प होता है विधि अधिकारी, विधिक सलाहकार या अभियोजन अधिकारी के रूप में काम करना। ऐसे पदों के लिए विभागों की जरूरत के अनुसार स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन टाइम टाइम पर वैकेंसी निकालता है और एग्जाम और इंटरव्यू आयोजित करके भर्तियां ली जाती हैं। यदि कोई इस प्रकार के पदों पर सरकारी नौकरी ज्वाइन करने का इच्छुक हो तो उसे ऐसी एग्जाम और इंटरव्यू क्लियर करने होंगे। एग्जाम में ज्यादातर प्रश्न LLB के कोर्स से ही पूछे जाते हैं और उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जो कोई सहायक लोक अभियोजन अधिकारी यानी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में चयनित होना चाहता है उसके लिए साथ में ये भी जरूरी है कि पहले वो एडवोकेट के रूप में 2 साल तक प्रैक्टिस करे, उसके बाद वो संबंधित परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल होगा। लॉ ग्रेजुएट के लिए थर्ड ऑप्शन है प्राइवेट कंपनियों, कॉरपोरेट्स और बैंकों वगैरह में लीगल एडवाइजर के रूप में काम करना। दोस्तों आजकल हर छोटी बड़ी कंपनी में विधि सलाहकार यानी लीगल एडवाइजर का पद होता है जिसके लिए अच्छी सैलरी और सुविधाएं दी जाती हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है जुडिशियरी में जुडिशियल ऑफिसर के रूप में काम करना, जिसके लिए या तो हाईकोर्ट की मांग पर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन परीक्षा आयोजित करता है या फिर हाई कोर्ट के द्वारा ही परीक्षा आयोजित की जाती है। इसके लिए भी एग्जाम और इंटरव्यू दोनों होते हैं, जिनको क्लियर करने के बाद मौका मिलता है जुडिशियल ऑफिसर के रूप में काम करने का। न्यायिक अधिकारी की सैलरी शुरू में 60,000 से 70,000 रुपए पर मंथ होती है, लेकिन ये पद ऐसा है जिसके लिए सैलरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि इस पद की गरिमा और गौरव दोनों ही उच्च स्तर के हैं। इसलिए लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद जुडिशियल ऑफिसर की पोस्ट के लिए तैयारी करनी ही चाहिए। एक और बड़ा ऑप्शन लॉ ग्रेजुएट के लिए ये है कि वो LLB कोर्स पूरा करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करके लेक्चरशिप कर सकते हैं। लेक्चरशिप में बाकी स्टूडेंट्स को पढ़ाने का सुनहरा मौका तो मिलता ही है, और साथ ही ये पद भी काफी गरिमा वाला है। कई प्राइवेट लॉ कॉलेजेस LLM पूरी होने के बाद भी आपको लेक्चरशिप का मौका देते हैं, इसलिए ऐसे व्यक्तियों के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी LLM पूरी होने के बाद प्राइवेट कॉलेज में बतौर व्याख्याता के ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ नेट की तैयारियां भी कर सकते हैं।
लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है राजनीति। जी हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा समझिए कि हम जिन लोगों को एमपी या एमएलए बनाने के लिए वोट देते हैं वो संसद या विधानसभा में जाकर हमारे लिए करते क्या है, मतलब कि उनका बेसिक काम क्या है। दोस्तों, उनका बेसिक काम है कानून बनाना। तो अगर कोई व्यक्ति लो ग्रेजुएशन के बाद एमपी या एमएलए बनेगा तो उसे कानून की इंपॉर्टेंस का भी पता होगा और कानून बनाने की प्रक्रिया और जरूरत को भी वो बेहतर समझ पाएगा। राजनीति में आने के लिए जरूरत होती है पब्लिक से कनेक्ट होने की। हमारे पॉपुलर पॉलिटिशियंस में से काफी संख्या में लो ग्रेजुएट हैं। तो दोस्तों, ये सारे मेन ऑप्शंस हैं लो ग्रेजुएशन के बाद, जिनमें से कोई कैंडिडेट अपने इंटरेस्ट के अनुसार चूज कर सकता है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।